आपका क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट एक्स कॉमा -5। तो व्हाट दे हैव टोल्ड, सी दैट दे हैव टोल्ड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसके ऊपर एक पॉइंट है। तो सपोज दिस इज द पॉइंट दैट इज पी, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। तो सपोज 8, -5 हमारा यहां पर है ये पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज योर क्यू और क्यू के कोऑर्डिनेट इज 8, -5। दोनों को जॉइन कर देंगे तो जो डिस्टेंस है दैट इज ये आपका √41 यूनिट्स है। ठीक है, आपको एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना मेन ये है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डी इज इक्वल टू √(x2 − x1)² + (y2 − y1)². ठीक है, तो ये है, तो यहां पर इसने दे रखा है x2, तो अब हम ले सकते हैं इसमें कुछ कोई भी x1 x2 आपकी मर्जी है, जिसको लेना है ले लीजिए। तो x − 8² + (0 − −5) + 5, तो 0 + 5² दिस इज अंडर रूट दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस दैट इज 41। तो दोनों भी हमारे किस में है, स्क्वायर रूट में। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे ये स्क्वायर रूट विल गो आउट, बाकी को आपको सॉल्व करना है। तो a − b² के हिसाब से x − 8² तो ये हो जाएगा x² − 16x + 64 + 5² = 25 = 41। 41 को इस साइड में लेकर आओ, ये दोनों को ऐड भी कर दो, x² − 16x + 89 − 41 = 0। तो ये हो जाएगा x² − 16x + 48 = 0। अब 48 के फैक्टर्स आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में चले जाओ। ठीक है, तो 48 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 = 24, 2 = 12, 2 = 6, 2 = 3। आपको ये सब नंबर से क्या बनाना है, 16। तो 16 हम कैसे बनाएंगे, तो ये हो गया 12 + 4 = 16। ठीक है, तो यहां पर हो गया x² − 12x − 4x + 48 = 0। तो x इज कॉमन, यहां पर आ जाएगा x − 12, यहां पर −4 इज कॉमन, अगेन आ जाएगा x − 12। तो आपके दो फैक्टर्स क्या हो गए, x − 12 और दूसरा हो गया x − 4 = 0। तो x − 12 = 0
दूसरा है x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की आपकी दो वैल्यू आ गई, तो आपके कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के क्या क्या हो गए, तो देखो x कॉमा जीरो था तो एक तो हो जाएगा आपका 4, 0, सेकेंड आपका हो जाएगा 12, 0, ठीक है। तो आपके दो पॉइंट्स आएंगे, इसलिए इसने यहां पर दिया है पॉइंट एंड आगे लिखा है एस पॉइंट्स, तो आपके दो पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।